हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़ी खुशखबरी इसलिए बता रही हूँ, जैसा आपको पता है कि बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल और SI दोनों ही पदों के लिए प्री के एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होता था, जो कि बहुत टफ होता था। तो बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल की वजह से छट जा रहे थे, तो अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। फिजिकल हो चुका है समाप्त, अब जो पढ़ने में तेज होंगे बच्चे उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम होगा और इसका क्या सब आपका डिटेल है सारा कुछ मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर वॉच करना। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग उस नोटिस के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले ही बता दिया है कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल की विशेष शाखा की न्यू वैकेंसी आई है। इसके लिए फ्रेंड्स आपका क्या है, नोटिस जारी किया गया है। फॉर्म काफी है, आपको बताते चलूं कि जनरल BC EBC और अदर स्टेट वाले से ₹675 लिया जाएगा, SC ST कैंडिडेट से ₹120 लिया जाएगा। ये भर्ती किस बोर्ड से कराई जाएगी? CSBC सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, जो कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कराती थी, उसी के तहत वैकेंसी आई है। फ्रेंड्स चलिए अब आपको बता दूं कि ये आपका क्या है, स्पेशल ब्रांच होगा, क्या इसके लिए सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिनका हाइट कम था, जो फिजिकल में छट जा रहे थे, दौड़ में वीक थे, वो सभी बच्चे इसके लिए इलिजिबल रहेंगे। देखिए, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट। अब स्पेशल ब्रांच क्या रहेगा, देखिए आपको बता दूं कि पहले क्या होता था ना, कि जैसे कि CBI, CID, इंटेलिजेंस ब्यूरो, अगर ये सब में अगर कॉन्स्टेबल की वैकेंसी होती थी तो डायरेक्ट जो बिहार पुलिस का सिपाही होता था उन सबको ही उसके लिए भर्ती कर लिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि जो बच्चे मान लीजिए कि पढ़ने में तेज थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में जाना चाहते थे, कांस्टेबल बनना चाहते थे, लेकिन फिजिकल की वजह से छट जा रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। सिर्फ आपको 2 पेपर देना है, पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए उसके बारे में और आगे जानकारी आपको दे देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहले ही बता दिया कि सिलेक्शन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज एग्जाम के आधार पर आपका होगा, पेपर 1 पेपर 2। फिजिकल पर जो मेरिट बनता था वो समाप्त। तो ये समाप्त का मतलब आप ये मत समझिए, जो वैकेंसी रद्द की गई थी बिहार पुलिस कांस्टेबल की, नॉर्मल कांस्टेबल की वैसी ही भर्ती आएगी, नॉर्मली SI का वैसे ही आएगा। जैसा कि आपको पता है कि मद निषेध का अलग से है, बहुत सारे अलग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भर्ती होती है, वैसे ही अब एक नया डिपार्टमेंट बनेगा, स्पेशल ब्रांच, जिसमें आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI वगैरह जो भी होता है उसके लिए अलग से भर्ती की जाएगी। तो वो जो भर्ती रद्द की गई है वो दूसरी भर्ती है, वो उसका अलग से एग्जाम होगा और हर साल 2 तरह की अब वैकेंसी आएगी। तो स्पेशल ब्रांच में अब आपका क्या है कि निगेटिव मार्किंग भी होगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि इसका जो पेपर 1 पेपर 2 होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा। पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के लिए, समय दिया जाएगा आपको 90 मिनट का, और निगेटिव मार्किंग आपको पता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगा 1/4 का, 0.25 का। अब विषय वाइज बात करें तो रीजनिंग और गणित के 50 प्रश्न होंगे, इंग्लिश के 30 प्रश्न होंगे, हिंदी से 20 प्रश्न होंगे। और आपको पता है कि इसका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो ऑफलाइन होगा OMR सीट पे। तो पेपर 1 का एग्जाम देंगे, उसके बाद फिर जब आपका इसका रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 2 भी आपका ऑफलाइन ही होगा, उसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, समय रहेगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का। अब निगेटिव मार्किंग इसमें है तो 1/4 0.25 करेगा। पेपर 2 में सब्जेक्ट वाइज बता दूं, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स से आपको 50 प्रश्न होंगे, मैथ से 30 प्रश्न होंगे और बिहार स्पेशल GK आपसे 20 प्रश्न पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो मेरिट डिसाइड होगा ना वो पेपर 2 के बेसिस पर होगा, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें आपका 30% होना चाहिए, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो फिर जब पेपर 2 का रिजल्ट आएगा उसी से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा वो 270 दिन यानी कि 9 मंथ्स का आपका यहाँ पर ट्रेनिंग होगा,
और आपको पता है कि बिहार के लिए ही ये स्पेशल शाखा की भर्ती आई है, तो बिहार के अलग अलग जिलों में आपको सर्व करना होगा। सर्व करेंगे तो सैलरी क्या मिलेगी? फ्रेंड्स, स्पेशल ब्रांच है इसलिए इसकी सैलरी की जो शुरुआत होगी 35,000 से 40,000 के बीच होगी, बाद में सैलरी बढ़ा के आपका 70,000 तक हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नोटिस आई है, तो अगर इसका नोटिस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्म आ जाएगा जून जुलाई के अंदर। सीट की बात करें तो आपका 30,000 से 35,000 सीट के लिए वैकेंसी रहेगी। तो आई होप इसके रिगार्डिंग सारे डाउट एंड कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन Stay tuned. Bye-bye. Take care.